हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेल एस स्टडीज में। तो जैसे कि आपका क्या चल रहा है, जैसे कि आपका सितंबर का मंथली एग्जाम चल रहा है और आपका 11th का केमिस्ट्री का आपका सेकेंड पाली में था, तो उसका आंसर की हम लेके चला है। तो जल्द से जल्द इसका देख लेते हैं, ठीक है। कमरे के ताप पदार्थ पर भौतिक अवस्था के अनुसार पदार्थ का एक उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, कौन सा क्लास 11th का है, ठीक है। चलिए, कौन सा हो जाएगा? कमरे के ताप पदार्थ पर भौतिक अवस्था के अनुसार पदार्थ का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है, ठीक है। अवस्था तो सभी होते हैं, शुद्ध पदार्थ ही हो सकता है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है? तो एक यौगिक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा हमारा मिश्रण मतलब एक दूसरे में क्या हो जाए, नहीं मिल पाता है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा हमारा? आसुत जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक यौगिक कौन सा है, ठीक है। एक यौगिक है, ठीक है। तो कौन सा हमारा इसमें यौगिक है हमारा? तो यौगिक हमारा संगमरमर CaCO3। कौन सा मिश्रण को घोल कहा जाता है? तो कौन सा मिश्रण को हम घोल कहेंगे? तो सजातीय कि विसमांगी मिश्रण को, ठीक है। तो पांचवा का आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो समांग मिश्रण होना चाहिए, इसको समांग होमोजीनियस मिक्सचर यानी सजातीय मिश्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय मिश्रण का उदाहरण कौन सा, मतलब एक दूसरे में अच्छा से घुल जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? छठा का आपका सही जवाब। इसका हम सट सट आपको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो पानी अल्कोहल यानी पानी, जैसे दारू और वाटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पत्थर को गर्म करने पर की मात्रा 56 किलोग्राम CaO होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चूने के पत्थर को गर्म करने पर डैश की मात्रा 56 किलोग्राम CaO होती है, होगी है, ठीक है, होती है, ठीक है। तो सातवां का आपका सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर डी, 100 kg। ए 1.5 मोल O2 Mg के साथ मिलकर ऑक्साइड MgO बनाता है, तो MgO को द्रव्यमान संयोजित है वह, तो मोल का फॉर्मूला लगा के इसको आसानी से निकाल लीजिएगा। वैसे हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। 72 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा 7 बुनियादी एसआई मात्रक एसआई इकाइयों का हिस्सा है? तो कौन सा है, कंडेला है कि पास्कल है कि जूल है कि न्यूटन है? तो कौन सा हमारा कंडेला है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑक्सीजन के आधुनिक परमाणु भार आधारित है, ठीक है। तो कार्बन 12 पर आधारित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रुकिए, 10 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 10 का हमारा ऑप्शन नंबर कार्बन 12 पर। ऑक्सीजन अणु का आणविक भार क्या होता है? तो सभी बच्चे को बच्चे को यानी मॉलिकुलर वेट पूछा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मॉलिकुलर वेट पूछा है, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, 8 ऑक्सीजन का अणुभार आण्विक भार, ठीक है, 16 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 ग्राम पानी के मौजूद प्रोटोनों की संख्या की कुल संख्या, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर एवोगाड्रो नंबर NA, ठीक है। तो वहां से आप इसका फॉर्मूला निकाल यहां से निकाल सकते हैं। तो 12 का आपका सही जवाब कौन सा देगा? तो दोस्त 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.02 × 10^25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो गैसों के वाष्प घनत्व इतना रेशियो में, आण्विक द्रव्यमान का कुल अनुपात क्या होगा? तो फिर आपका उसी को फर्स्ट चैप्टर से सभी हैं, ठीक है। तो 13 का आपका सही जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, एक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन होता है कि यौगिक का वाष्पन घनत्व 30 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 14 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 14 का डी हो जाएगा, CH3। निम्नलिखित परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। 16 नंबर देख लेते हैं, टीए पर इतना लीटर ऑक्सीजन के बराबर है, ठीक है। तो 16 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.25 मोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, STFE पर 1 लीटर निश्चित गैस का वजन 1.16 ग्राम होता है, तो गैस है, तो कौन सा है गैस? तो 17 का आपका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। चलिए STFE पर 1 लीटर निश्चित गैस का वजन इतना ग्राम होता है, ठीक है। चलिए तो यह भी उसी प्रकार से है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द, वहाँ से नंबर ऑफ मोल से आप निकाल सकते हैं, 22.4 नीचे पुट करके, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, तो यहाँ पे 17 का आपका सही जवाब कौन सा जगह? तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, बहु अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज्ड बाई, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रपोज्ड बाई, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 18 का आपका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा देगा? तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी डाल्टन ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम
यही सब आप किस किसके लिए युक्ति हो नियुक्ति नहीं है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए युक्ति नहीं है, तो नाभिकीय अभिक्रिया के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्साइडों ऑक्सीजन में के विभिन्न अनुपात डैश के नियम से संतुष्ट करते हैं। तो 20 का आपका सही जो और पर एक जवाब कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, गुणित अनुपात। चलिए 21 का आपका हम सही जवाब बता देते हैं। तो 21 का आपका सही जवाब कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 छोड़ 22 निम्नलिखित नियमों के अनुसार संतुलित होता है, तो कौन सा नियम के अनुसार आपका संतुलित होता है, तो स्थिर अनुपात के नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य परिस्थितियों में मापी गई 1 लीटर प्रोपेन गैस, ये लंबा चौड़ा सवाल है, पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा देरी लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। सब आपको पहले ही बना के हम रख लिए हैं, ठीक है। तो एथेनॉल का मोल अंश, तो मोल अंश बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अंश बराबर क्या होता है जिसका पूछा है, अगर पूछा है एथेनॉल का, तो नंबर ऑफ सॉरी मोल अंश यानी काई से सूचित किया जाता है, तो काई ऑफ इथेनॉल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल और प्लस किसका हो जाएगा, पानी का है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा रहेगा, 34 का, ठीक है, 24 है ना, 24 का आपका सही जवाब कौन सा है, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। चलिए 25 देख लेते हैं। तो 25 का आपका सही जवाब फॉर्मूले को बनेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, तो 25 का आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे मोलिलिटी पूछा है, ठीक है, मोलिलिटी, तो मोलिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ द सॉल्वेंट, गुने अगर एथी में है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो नहीं गुना करेंगे, ग्राम में है तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 26 का आपका सही जवाब कौन सा होगा, 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध जल की मूल्यता क्या होती है, तो शुद्ध जल की मूल्यता आपकी क्या होती है, तो 55.5 मोलारिटी होता है, ठीक है। इसका अगर अलग हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आइए 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, तो 28 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और 29 का कौन सा हो जाएगा, परिवर्तनशील नहीं होता है, ठीक है। तो क्या उसका परिवर्तनशील नहीं होता है, तो उसका परमाणु भार कभी भी नहीं बदल सकते हैं, ग्लूकोज आपका यह तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, तो C6H12O6, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए। यही वीडियो था, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।